नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे पार्ट दो, शरारती बंदर के प्रश्न उत्तर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने शरारती बंदर की कहानी भी पढ़ी थी और उसकी बुक एक्सरसाइज, सही विकल्प, शब्दार्थ, खालिस्तान पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, फोफो केंके पंख खींचकर भाग जाता था। जो फोफो नाम का बंदर था वो किसके पंख खींचकर भाग जाता था, किनके पंख खींचकर भागता था? उत्तर में लिखा है हमने, फोफो पक्षियों के पंख खींचकर भाग जाता था। केंके पंख, केंके की जगह हमें क्या लिखना है? पक्षियों। फोफो पक्षियों के पंख खींचकर भाग जाता था। सेकंड प्रश्न है हमारा, फोफो अपने साथियों के साथ कहाँ गया था? फोफो अपने साथियों के साथ कहाँ गया था? उत्तर में हमने लिखा है, फोफो अपने साथियों के साथ कहाँ गया था? खेत में गया था। खेत में सब्जियां खाने गए थे ना वो देखकर, तो कहाँ गया था? हमें उन्होंने पूछा कहाँ, तो हमने उत्तर लिख दिया खेत में। फोफो अपने साथियों के साथ खेत में गया था। तीसरा प्रश्न है हमारा, सबने खेत से क्या तोड़कर खाया? वो खेत में गए थे तो उन्होंने खेत में क्या तोड़कर खाया? सबने खेत से सब्जियां तोड़कर खाई। क्या खाया? क्या की जगह हमने लिख दिया सब्जियां। क्या तोड़कर खाई? सब्जियां तोड़कर खाई। आ गए आपको, एक बार और मैं बताती हूँ आपको, फोफो किनके पंख खींचकर भाग जाता था? फोफो पक्षियों के पंख खींचकर भाग जाता था। फोफो अपने साथियों के साथ कहाँ गया था? फोफो अपने साथियों के साथ खेत में गया था। सबने खेत से क्या तोड़कर खाया? सबने खेत से सब्जियां तोड़कर खाई। आए समझ बच्चों आपको? अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। अब हमारा चौथा प्रश्न है, रानी मधुमक्खी को घायल देखकर अन्य मक्खियों ने क्या किया? रानी मधुमक्खी को घायल देखकर अन्य मधुमक्खियां फोफो पर टूट पड़ी और उसका काट काट कर बुरा हाल कर दिया। ये हमारा उत्तर था क्या? रानी मधुमक्खियों को घायल देखकर अन्य मधुमक्खियों ने क्या किया? फोफो पर टूट पड़ी और उसका काट काट कर बुरा हाल कर दिया। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, अपनी गलती का एहसास होने पर फोफो ने क्या किया? जब फोफो ने पत्थर मारा था मधुमक्खी का तो उसका हाल बुरा हो गया था, तो उसे अपनी गलती का एहसास होने पर उसने क्या किया? अपनी गलती का एहसास होने पर फोफो ने कभी भी शरारत ना करने का फैसला किया। उसको उसका परिणाम मिला था, उसने क्या फैसला किया था? कभी भी शरारत ना करने का फैसला किया। एक बार और देखेंगे, रानी मधुमक्खी को घायल देखकर अन्य मधुमक्खियों ने क्या किया? रानी मधुमक्खी को घायल देखकर अन्य मधुमक्खियां फोफो पर टूट पड़ी और उसका काट काट कर बुरा हाल कर दिया। आया समझ बच्चों आपको? हमारा पांचवा प्रश्न एक बार देखेंगे, अपनी गलती का एहसास होने पर फोफो ने क्या किया? अपनी गलती का एहसास होने पर फोफो ने कभी भी शरारत ना करने का फैसला किया। आया समझ बच्चों आपको? अब हम देखेंगे भाषा और व्याकरण। आज अब हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। पहला प्रश्न है, शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। हमें यह शब्द दिए हैं और शब्द को वाक्य में प्रयोग करना, उसके ऊपर कोई वाक्य बनाना है। जैसे पहला दिया हुआ बंदर, तो हमने वाक्य बनाया, बंदर बहुत शरारती था। वाक्य बनाने आप भी अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं बंदर को लेकर। दूसरा है बाघ, बाघ में कई तरह के फूल होते हैं। बाघ में कई तरह के फूल होते हैं, ऐसा ही कोई बन सकता है? जैसे बाघ में कई तरह के फल फूल होते हैं, बाघ में कई तरह की सब्जियां होती हैं, ऐसे कोई भी वाक्य हम बना सकते हैं। छत्ता, छत्ता पे क्या वाक्य बना? पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। शरारत, शरारत पे क्या वाक्य बना? फोफो दिन भर शरारत करता है। यहाँ पर शरारत की जगह हम फोफो की जगह किसी और का नाम भी बदल सकते हैं, जैसे मोहन दिन भर शरारत करता है, राम दिन भर शरारत करता है, नाम बदल सकते हैं। तो फोफो दिन भर बहुत शरारत करता था। अब हमारा पांचवा है खेत, खेत के ऊपर क्या बनाया हमने?
किसान खेत में अनाज उगाता है। खेत के ऊपर और भी बात कर सकते हैं, जैसे किसान खेत में फसल उगाता है, सब्जियां उगाता है, आदि आदि वाक्य बन सकते हैं। आया समझ बच्चों आपको? एक बार हम फिर से देखेंगे, बंदर पे क्या वाक्य बना? बंदर बहुत शरारती था। बाग, बाग में कई तरह के फूल होते हैं। छत्ता, पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। शरारत, खोखो दिन भर बहुत शरारत करता था। खेत, किसान खेत में अनाज उगाता है। आया समझ? अब हम देखेंगे वचन बदलिए, पढ़ेंगे वचन बदलिए। वचन बच्चों दो होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु के बारे में बात होती है और बहुवचन में बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बात होती है। जैसे दिया है डंडा, डंडा को बहुवचन में बदलेंगे डंडे। डंडा एक है और डंडे बहुत सारे हैं, तो जो एक होता है वो एक वचन में होता है और बहुत सारे होते हैं वो बहुवचन में आते हैं। पंजाब, पंजे। पत्ता, पत्ते। इनको बहुवचन में बदलेंगे। रात, रातें। चोट, चोटे। शरारत, शरारतें। पंखुड़ी, पंखुड़ियां। सब्जी, सब्जियां। ये हमने एक वचन से बहुवचन में इनको बदल दिया। आया समझ? अब हम करेंगे समान तुक वाले शब्द। अब हम पढ़ेंगे समान तुक वाले शब्द। लिखो, यहाँ पर शब्द दिए हैं कुछ, उनके जैसे और शब्द बनाना है, उनसे मिलते जुलते शब्द जो समान तुक, एक ही तुक वाले। जैसे अंदर, अंदर का हमने बना दिया बंदर। पत्ता, छत्ता। गंजा, पंजा। कसर का क्या बनेगा? असर। उसी के जैसे मिलते जुलते समान तुक वाले। रेत, खेत। अंडा का डंडा। नानी का क्या बनेगा? रानी। बात का रात। हरारत, शरारत। आना, जाना। ये क्या थे? समान तुक वाले शब्द। एक बार और हम देखेंगे। अंदर का बंदर, पत्ता, छत्ता, गंजा, पंजा, कसर, असर, रेत, खेत, अंडा, डंडा, नानी, रानी, और भी बन सकते हैं पानी, बात, रात, हरारत, शरारत, आना, जाना। अगर आपको इनके अलावा और भी शब्द आते हैं, इनसे मिलती हूँ, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आए समझ बच्चों आपको? यहाँ पर हमारा पाठ आज समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का पाठ पढ़ेंगे। आपको इन प्रश्नों के उत्तर सभी को बुक एक्सरसाइज को अपनी हिंदी CW कॉपी में गुड हैंड राइटिंग में राइट डाउन करना है, सुंदर एवं स्वच्छ लिखना है। ओके बच्चों, थैंक यू।